जो भी हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए काम करते हैं वो एक्चुअल में शरीर के द्वारा ही होता है, और शरीर के लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। एक प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन चालू हो तब तक अटेंडेंस कितने लोग आ गए? अटेंडेंस ली जाए क्या? 26 ही आए अभी, 26 में से 2 ID तो मेरे हैं, 24 आधे स्टूडेंट्स ही आए, 8, 35 से भी ज्यादा हो गया। कोई नहीं, चलो ये खुल गया है, प्रेजेंटेशन ही ले लेते हैं। फिजिकल हेल्थ है वैसे आपका टॉपिक जो सिलेबस में है, तो फिजिकल हेल्थ मतलब वही हेल्थ मैनेजमेंट, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर, तो हम इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव्स की ज्यादा बात करेंगे। आप में से कोई हेल्थ की डेफिनेशन बताना चाहेंगे? सर आवाज ब्रेक हो रही है। सिर्फ एक स्टूडेंट को ब्रेक हो रही है, सबको ब्रेक हो रही है? क्लियर है सर आवाज? हाँ, तो वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा जिनको क्लियर नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। एक गूगल क्लासरूम बनाएंगे, अभी बन नहीं पाया था, तो उसमें सारे मटेरियल जो भी होगा वो सारा उसमें हम अपलोड कर देंगे, तो आगे भी आपको ये काम आएगा। पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी लाइफ मैनेजमेंट है वो लाइफ सर आपने प्लान, बना दिया है ना उसकी सर? नोट्स काम आएगी। हाँ अच्छा, हाँ शायद बना दिया था, हाँ हाँ तो उसी में अपलोड कर देंगे। और उसका यूट्यूब में भी अपलोड करके उसकी लिंक भी गूगल क्लासरूम में शेयर कर देंगे, तो आगे भी कभी भी आप देख पाओगे। ये प्रेजेंटेशन जो बनाया है वो भी अपलोड कर देंगे। तो हम लोग हेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। हेल्थ की डेफिनेशन कोई देना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। हाँ सर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच नमस्कार। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बहुत सही है। और नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, कि अगर जी आपको सर, कोई रोग नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। रोग के अलावा आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से आपको स्वस्थ होना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं इसमें स्पिरिचुअल शब्द भी यूज किया है, तो वेबसाइट कुछ लिंक्स अगर हम निकालते हैं तो उसमें स्पिरिचुअल शब्द मिलता है। कुछ लिंक्स ऐसी WHO की है जिसमें हम निकालते हैं तो उसमें स्पिरिचुअल शब्द नहीं आता है। पर फिर भी सोशल हेल्थ में भी बहुत कुछ आ गया, स्पिरिचुअल का बहुत सारा पार्ट आ गया, और दूसरा मेंटल हेल्थ में भी स्पिरिचुअल का बहुत सारा पार्ट आ गया। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन भी जो WHO ने दी है उसमें भी यही है कि अपनी कम्युनिटी के लिए हम कुछ कर पाए, अपना प्रोडक्टिव कुछ काम कर पाए, है ना। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी स्पिरिचुअलिटी का भी पार्ट थोड़ा सा आ ही जाता है। तो स्पिरिचुअल है नहीं है वो डिबेट में हमें नहीं पड़ना है, पर इतना तो है ही कि फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह का हेल्थ सही हो तो हमारा हेल्थ अच्छा है, हमारी हेल्थ अच्छी है ऐसा हम कह सकते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन की बात कर ली हमने, अब हम इसमें क्या करेंगे कि होलिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे।
मॉडर्न मेडिसिन में आप देखो एलोपैथी बहुत आगे बढ़ गई है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, ये सारे वैक्सीन वगैरह बहुत कुछ इन्वेंशंस हुए हैं, बहुत ही चमत्कार विज्ञान के लोगों ने देखे हैं, पर फिर भी बेसिक हेल्थ को मेंटेन करने में कई बार ऐसा लोगों को प्रतीत होता है कि भाई ये जो मॉडर्न मेडिसिन है वो पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन कि हम कैसे इस तरह से जिए कि हमें कोई रोग ही ना हो, तो प्रिवेंशन के मामले में थोड़ा सा पीछे है ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसमें हमारा इंडियन मेडिसिन जो है वो बहुत ही मजबूत है, योग आयुर्वेद उन सब के द्वारा प्रिवेंशन का काम बहुत अच्छा किया जा सकता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट में भी कई लोग हैं वो केवल आयुर्वेद और अपनी इंडियन थेरापीज पर ही विश्वास रखते हैं और उसी के बेस पर अपनी ट्रीटमेंट करते हैं, इवन ये कोरोना हो या कैंसर हो या कोई भी समस्या हो, उन सब में वो केवल इंडियन मेडिसिन का ही यूज करते हैं। तो होलिस्टिक का मतलब है सब कुछ उसमें आ जाए, कोई एक डायमेंशन नहीं। कई बार क्या होता है एलोपैथी के बारे में ये भी कहा जाता है कि केवल वो एक डायमेंशन को लेती है, कि आपको पेन हो रहा है तो वो मस्तिष्क की वो नर्व्स को दबा देगा, उसको वो डीएक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण आपको पेन महसूस हो रहा है। तो वास्तव में जो पेन का कारण है वो दूर नहीं किया है, पेन की जो अनुभूति है उसको दूर कर दिया है। तो वो मस्तिष्क में बहुत नुकसान पहुंचा सकती है पेन किलर्स, क्योंकि हर बार जब भी पेन होता है तब आपको वो पेन किलर लेनी पड़ेगी और वो मस्तिष्क पर काम करेगी। काम वहां करना चाहिए जहां दर्द हो रहा है ना, जैसे पैरों में दर्द हो रहा है तो पैरों में कुछ काम होना चाहिए कि वहां दर्द खत्म हो जाए, उसके बदले वो मस्तिष्क पर काम करती है, वहां की नर्व्स जो है उसको वो डीएक्टिवेट कर देती है। तो बार बार डीएक्टिवेट करने के कारण, बार बार उसको दबाने के कारण फिर वो उसमें परमानेंट क्षतियां हो जाती है। इसीलिए आजकल मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। आजकल क्या करते हैं लोग, कुछ भी बुखार आया, कुछ भी आया, तुरंत पैरासीटामोल ले ली, दूसरी कोई दवाइयां ले ली, तो उससे ये होता है कि उनको तुरंत आराम तो जनरली मिल जाता है, पर उसके कारण जो नुकसान हो रहे हैं उस नुकसान के विषय में बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर रिसर्चिस तो हुई है पर कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैसे सिंपल सा है, अपने गुरुदेव के वांग्मय में भी एक एग्जाम्पल दिया है कि अपने यहाँ एक सर्पगंधा करके एक वनस्पति होती है, उस सर्पगंधा में से वो सर्पगंधा आप अगर उसके ओरिजिनल फॉर्म में लो, ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो वो हाई बीपी और लो बीपी दोनों की दवाई है वो सर्पगंधा। ब्लड प्रेशर की कोई भी समस्या हो तो उसको वो ठीक करती है सर्पगंधा। आयुर्वेद में बहुत उसके ऊपर काम हुआ है, रिसर्चिस हुई है और काफी सारे लोग सर्पगंधा लेते हैं। अपने यहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जो फार्मेसी है उसमें भी बनती है, तो वो एक नेचुरल मेडिसिन है। पर उसमें क्या है कि ऐसा देखा गया कि उसका जब एनालिसिस किया गया तो उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाले तत्व भी होते हैं और उसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो, सिंपल तरीके से आपका जो जैसा चल रहा है उसी तरह से आपका सब सिस्टम चले, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी अंदर के शरीर के जो तंत्र हैं चले, उसके लिए दूसरे तत्व भी होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि सर्पगंधा का एकदम से तुरंत इफेक्ट नहीं दिखता है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है और एकदम आक्रामक नहीं होती है वो, बहुत ही निर्दोष होती है, तो बहुत ही माइल्ड उसका असर होता है ना। कई बार ये भी कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कभी कभी आपको प्रमाण भी बढ़ाना पड़ता है। आप अगर किसी को बहुत ज्यादा कब्ज है और उसको आप अगर केवल एक हरड़ की गोली देते हो तो हो सकता है कुछ भी नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, आठ आठ गोली ले लेते हैं, सात सात गोली ले लेते हैं। तो समय के हिसाब से अब आयुर्वेद में भी, क्योंकि लोगों का शरीर ऐसा हो गया है कि निर्दोष चीजों से उतना आसानी से तो फर्क पड़ता ही नहीं है, लोग इसीलिए एलोपैथी जा रहे हैं। इससे अच्छा है आयुर्वेद में ही रिसर्च करके और ज्यादा प्रभावशाली दवाइयाँ कौन सी है उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। तो ये सर्पगंधा के बदले क्या किया मॉडर्न मेडिसिन में, उसमें तत्व कौन कौन से हैं जिसके कारण ये ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है वो सब रिसर्च किया गया। तो एक तत्व मिला जिसका
ऑर्डिनरी नाम, साइंटिफिक नाम तो कुछ दूसरा है, पर ऑर्डिनरी नाम उसको सर्पीना करके बोलते हैं। सर्पगंधा में से सर्पीना करके एक तत्व उनको मिल गया वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने वो सर्पीना तत्व को निकाल लिया और उससे गोलियां बनाई ब्लड प्रेशर की, तो वो तुरंत असर करती है। लेकिन यहां तक रिसर्च देखा गया अपने गुरुदेव के वांग्मय में भी है कि ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के कारण व्यक्ति को सुसाइडल टेंडेंसी होने लग गई, आत्महत्या करने के विचार आने लग गए, आत्महत्या लोगों ने कर भी दी। तो एक छोटी सी समस्या को दूर करने के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो इस तरह का भी एलोपैथी के विषय में कहा जाता है कि उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं होती है। सिर्फ उतनी रिसर्च होती है कि जिस काम के लिए हमने इसको लिया है वो काम वो कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है। वो क्या नुकसान कर रही है उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इससे अच्छा है होलिस्टिक अप्रोच, कि जिसमें हम सब चीजों को ध्यान में रखें, कि ब्लड प्रेशर कम करने में दिमाग हमारा खराब नहीं हो जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म नहीं हो जानी चाहिए, दूसरी सब सिस्टम है वो खत्म नहीं हो जानी चाहिए। इस तरह का जो पूरा विचार किया जाता है हर एक डायमेंशन का, उसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। डील्स विद द होल पर्सन, नॉट जस्ट द इंजुरी और डिसीज, केवल रोग को ठीक करना उसका मकसद नहीं होता है, पूरी सारी सिस्टम को व्यवस्थित करने का मकसद होता है। अब यहाँ मैंने एक साधारण सा एक होलिस्टिक अप्रोच दिया है, और भी इसमें जुड़ सकता है, पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 8 मुख्य बातें हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला है टॉनिक्स। अब अगर आयुर्वेद के ग्रंथ देखें तो उसमें चिकित्सा में सबसे पहले टॉनिक की बात आती है, कि हमारे शरीर को कुछ टॉनिक्स चाहिए, जैसे आजकल जो विटामिन प्रोटीन्स की जो बातें होती है उस तरह से हमें रसायन चाहिए हमारे शरीर को, वो हम जनरली लेते नहीं हैं। कौन कौन से रसायन होते हैं, जैसे आंवला है, आंवले को रसायन माना गया है। मेंटल हेल्थ के लिए ब्राह्म रसायन होता है, जिसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, इस तरह की सब जड़ी बूटियां होती है, तो वो मेथ्य रसायन, मतलब कि ब्रेन टॉनिक है। तो इस तरह के टॉनिक्स की जरूरत पड़ती है हेल्थ के लिए। च्यवनप्राश भी एक टॉनिक है, तो च्यवनप्राश भी जो लोग नियमित लेते हैं उनको उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। हरड़ है, वो भी एक तरह का टॉनिक है। तो इस तरह का जिसको रसायन बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और जनरल मेडिकल टर्म में उसको टॉनिक बोलते हैं, वो टॉनिक हमारे हेल्थ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हमें जिस टॉनिक की जरूरत है उस टॉनिक को दवाई के रूप में नहीं, एक टॉनिक के रूप में, कि भी हाँ कहीं कोई कमी न पड़ जाए शरीर में, तो उसके लिए हम इस तरह की ये जो आयुर्वेद में बताई गई है उसको हम ले सकते हैं। टॉनिक में किसी को कोई क्वेश्चन, जी बातें प्रणाम भी पूछ सर। सकते हैं। हाँ बोलो बोलो। टॉनिक जैसे शब्द से हम लोग आज तक जानते आ रहे हैं कोई लिक्विड पदार्थ, और आपने अभी बताया कि च्यवनप्राश जो कि सॉलिड है, तो थोड़ा बता दीजिए किस तरह से हम समझेंगे इसको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शब्द है रसायन, आयुर्वेद की भाषा में शब्द है रसायन, जिसको प्रमोटिव मेडिसिन भी कहते हैं, कि आपका ट्रीटमेंट को वो और ज्यादा अच्छा बना देता है, प्रमोटिव है ना, प्रमोट करता है वो, तो इसलिए उसका शब्द रसायन है। पर प्रमोटिव मेडिसिन से भी लोग नहीं समझते हैं, रसायन शब्द भी संस्कृत है, तो इंग्लिश में उसका कोई अलग से शब्द नहीं है, इसलिए उसको हम टॉनिक बोलते हैं, पर ये आयुर्वेदिक टॉनिक है। तो आयुर्वेदिक टॉनिक जरूरी नहीं है केवल लिक्विड फॉर्म में ही हो, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। क्लियर है? जी सर। ओके। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है जो हमारे लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित है, कि आप कितनी भी दवाइयाँ खाओ, कितने भी टॉनिक लो, पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जिसको आचार रसायन बोलते हैं।
आचार रसायन, मतलब कि आचार विचार में भी हमारे कुछ नियम कानून होने चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए भी हमें जो ये सत्य बोलना और दूसरे जो भी नियम है ना, ब्रह्मचर्य का पालन, वो सारी चीजें आगे आएगी, लेकिन वो अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तब भी हमारा स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। तो उसको आचार रसायन इंग्लिश में, या तो बिहेवियरल रसायन या बिहेवियरल मेडिसिन्स, इस तरह से बोला जाता है। एक तरह के कोड्स ऑफ कंडक्ट है ये, क्या क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद में भी दिए गए हैं अलग, अपने कल्चर में भी हर जगह स्पिरिचुअलिटी में उसके बारे में दिया गया है, क्या 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 हमें फॉलो करना चाहिए। और जो मॉरल एजुकेशन होता है आप लोगों के बीएड में, या जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात होती है, वहां पर भी इसकी बात आती है। पर ये आयुर्वेद में इसको स्वास्थ्य से जोड़ा गया है कि स्वास्थ्य अगर मेंटेन करना है तब भी ये चीज जरूरी है। आपकी ड्यूटीज तो है ही, आपके कर्तव्य तो है ही, पर तब भी जरूरी है। और उसमें जो आयुर्वेद की टेक्स्ट है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ खाने पीने की चीजों के बारे में भी कहा गया है कि ये भी आप नियमित रूप से फॉलो करो, मतलब कि ऐसे ऐसा आचरण करो, या इस तरह का विहार बोलते हैं जिसको, आहार और विहार। विहार मतलब जो भी क्रियाएं करते हैं, खाने के अलावा जो भी चीजें हैं, तो वो सब विहार आता है। तो आहार की तरह विहार का भी असर पड़ता है। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई है कि इसको आपको नियमित रूप से लेना चाहिए। जैसे हमने सत्य सत्य की बात करते हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम एंगर। एंगर बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जिन लोगों को भी अगर लगता है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आप लोगों को अलग से कभी भी चर्चा करनी चाहिए इस विषय में, और प्लान कुछ बनाना चाहिए कि हम किस तरह से सिस्टमेटिकली अपने गुस्से को कम करें, क्योंकि ये शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से आपको ही सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। एब्स्टेंट फ्रॉम वाइन, ये जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, वैसे तो आयुर्वेद में उसे भी स्वास्थ्य माना गया है अगर वो आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है, जो उसको बोलते हैं आयुर्वेद में उसके जो मद्यपान है, तो आयुर्वेद की एक टेक्निक होती है, तो उसको एक दवाई के रूप में, आसावरिष्ट के रूप में यूज किया जाता है। पर आजकल की, आजकल का जो दारू वगैरह सब है, उससे कम्प्लीटली दूर रहने की बात करी है कि और भी तरीके हैं स्वास्थ्य प्राप्त करने के, तो इसको स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ना यूज किया जाए, तो इसलिए उसका विरोध करता है आयुर्वेद। रेगुलर यूज ऑफ घी, आश्चर्य होगा कि मॉडर्न मेडिसिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, घी तेल कम करो और घी तेल बंद करो। वो उसके मुख्य कारण ये है कि उसमें औषधियां, ये अशुद्धियां बहुत है, बहुत सारी मिलावट, बहुत सारे केमिकल्स और वो सब चीजें रिफाइंड तेल में, घी में डाल दिए जाते हैं। वरना घी हमारे लिए बहुत जरूरी है, पूरे का वो ऑयलिंग का काम करता है, बहुत जरूरी है, और उसको पचाने की थोड़ा सा शारीरिक श्रम भी जरूरी है। पर ये रेगुलर यूज करना, वो भी एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट माना गया है आयुर्वेद में। बाकी सारी चीजें देखें तो हमारे यम तरह के मॉरल एजुकेशन से संबंधित है, जबकि ये चीज है वो अपने स्वास्थ्य के लिए दी गई है। तो इस तरह से जो आयुर्वेद में कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी गई है, वो अपने हेल्थ से रिलेटेड है। हैविंग सेंसेस कॉन्सेंट्रेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, जितना भी भौतिकवाद की ओर ज्यादा दौड़ेंगे उतना हेल्थ खराब होगा ही। तो थोड़ा अपना फोकस है वो स्पिरिचुअलिटी पर रखें, पैसा कमाएं, सब कुछ करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर इतना हमारे ऊपर वो पागलपन सवार ना हो जाए कि जिसके कारण हमारी हेल्थ खराब हो। तो अपने अध्यात्म के ऊपर, अध्यात्म में क्या कहा जाता है कि ये सारी चीजें लिमिटेड मात्रा में चाहिए आपको। थोड़ा सा आपको भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, बहुत बेसिक नीड्स होती है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करना, बहुत ज्यादा गलत काम करना, सब चीजों को छोड़ के, अपनी सारे कर्तव्यों को छोड़ के केवल और केवल फोकस अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर करना, ये सारी चीजें जो हो जाती है वो भी हेल्थ खराब होने का मुख्य कारण है। इसलिए कहा गया है कि अध्यात्म समझो, अध्यात्म को, कि जीवन है क्या। किसी को कोई प्रश्न हो तो बीच में ही आप माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो,
तो हम वहाँ पॉज कर देंगे। जी आपके सर, क्योंकि बहुत सारे एक हैं, 8 हैं। हाँ बोलो। इसमें जितना भी अगर हाँ हम छोड़ बेटा, दें घी हाँ को, तो सारा व्यवहार से संबंधित चीज था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में ऐसा क्या है घी में जो कि कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हो गया जो खाने का वस्तु है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे सिर्फ घी नहीं है, और भी चीजें हैं जो छाता धारण करना चाहिए, है ना। तो वो भी छाता धारण करेंगे, उसमें हमारा नैतिक कर्तव्य जैसी कोई बात नहीं है। पर यहाँ पर आचार रसायन मतलब कि आपको नियमित रूप से जिसका पालन करना चाहिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ गुड हैबिट्स, है ना, ऐसी हैबिट्स कुछ डालनी चाहिए। तो ये आयुर्वेद में इसी तरह से दिया हुआ है। आचार रसायन शब्द अगर हम केवल पकड़ें तो उसमें आपको ये सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि रसायन में तो ये सब चीजें है ही। घी एक रसायन भी माना गया है, और आचार रसायन का मतलब है कि आपको उसका नियमित यूज करना है। तो इस तरह से दोनों में घी को दिया गया है। पर यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे चप्पल है, चप्पल धारण करना, है ना। कुछ लोग जो व्रत रखते हैं कि खुले पैर नंगे पैर जाएंगे, तो वो आयुर्वेद के हिसाब से वो गलत है। तो इस तरह की चीजें भी दी गई है। मैंने तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे ये एग्जाम्पल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। घी है वो इंटेलेक्ट बढ़ाने वाला, गाय का घी। जहां जहां भी आयुर्वेद में घी है वो गाय का घी है, जहां तेल है वो तिल का तेल है। तो ये इंटेलेक्ट बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला है गाय का घी, इसलिए भी उसको दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद में और भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, पर समय के अभाव से हमने सारे चीजें नहीं ली है, इसलिए हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा है कि ये एक ही ऐसा क्यों है, और भी ऐसे हैं। क्लियर? जी बिल्कुल सर, प्रणाम हाँ प्रणाम बोलो। सर। आपने अल्कोहल की बात की है, लेकिन अल्कोहल अगर सही मात्रा में लिया जाए तो उसमें तो कोई हानि तो नहीं है सर, तो इस पर थोड़ा मैं बताइए कह रहा सर। हूँ ना कि आयुर्वेद, हाँ आयुर्वेद जो है मद्यपान का भी वो उसकी भी वकालत करता है, लेकिन यहाँ इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट में उसको दिया गया है कि कितना भी कोई विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी समझदार व्यक्ति हो, कोई ऐसी सिचुएशन में जब वो दारू लेने लग जाता है तो उसमें अच्छे अच्छे लोगों का, जिसको समझदार कहे जाने वाले का, उनका भी कंट्रोल नहीं रहा है। कब उसमें आपका कंट्रोल निकल जाता है वो आपके हाथ में नहीं रहता है। तो ये कहते हैं कि ऑल्टरनेट यूज किए करें, कि भाई इसका अगर मना किया है तो हेल्थ अच्छी प्राप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसा क्या ले। जैसे आशा वरिष्ठ है, जिन लोगों को भी भूख कम लग रही हो, या जैसा लग रहा है कि भाई थोड़ा थोड़ा हमारा स्वास्थ्य हमें अच्छा करना है, तो सिंपल सी कौन सी दवाई लें, तो सिंपल सी झंडू पंचारिष्ट एक आती है, वो कोई भी खाने के बाद ले सकते हैं। तो उसमें भी वो ऑटो जनरेटेड अल्कोहल होता है, अपने आप वो अल्कोहल बन जाता है, उसको सड़ाया नहीं जाता है, वो अपने आप अल्कोहल बन जाता है। तो वहां वो, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में, 6% के आसपास वो होता है, मैक्सिमम कुछ दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में 11% तक अल्कोहल होता है। तो वो अल्कोहल जो है वो आपके लिए नुकसान नहीं कर रहा है। पर आजकल ये जो वाइन वगैरह जो बाहर सब मिल रहे हैं शॉप्स में, उसमें पता नहीं क्या क्या वो मिलाते हैं, किस तरह से बनता है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, किस तरह का होता है, वो सारी चीजें उतना विश्वास करने लायक नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि इससे अच्छा है कि उससे दूर ही रहो, है ना। कोई इस तरह के प्रयोग करो जिसके कारण आपको फिर आगे जाके पछताना पड़े, इससे अच्छा है कि, और दूसरे ऑल्टरनेट है उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से, क्योंकि आयुर्वेद भी सब तरीके के से देखता है, वो आध्यात्मिक प्रगति का भी सोचता है। तो इसलिए आपको, और आयुर्वेद में कई जगह पर यह भी कहा गया है कि इस जन्म में और अगले जन्म के बाद भी, मृत्यु के बाद भी आपको इससे फायदा होगा। तो कुछ चीजें ऐसी भी बताई गई है कि आपको ये जीवन समाप्त होने के बाद भी, क्योंकि वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है आयुर्वेद, तो इसलिए होलिस्टिक अप्रोच इसीलिए उसको बोलते हैं। तो वहां पर उन ये कहा गया है कि इससे अच्छा है कि आप अल्कोहल से दूर ही रहो। क्लियर? थैंक यू सर। कुछ चीजें देखो, हो सकता है आप लोग सहमत ना हो और डिबेट का विषय हो, पर अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। ज्यादा डिबेट तो हम नहीं कर पाएंगे,
ऐसा करेंगे कि क्लास समाप्त होने के बाद जिनकी क्लास नहीं है नेक्स्ट आगे, उनको अगर कुछ डिस्कस करना हो तो हम डिस्कस करेंगे, पहले अटेंडेंस वगैरह सब ले लेंगे, तो शांति पाठ के बाद भी हम लोग डिस्कशन चालू रख सकते हैं अगर कोई क्लास वगैरह आपकी नहीं है तो। हाँ, फिर गोल्डन रूल्स ऑफ हैप्पीनेस, ये भी इसी तरह का है, लाइफस्टाइल और फिलोसॉफी, जो हमारे अध्यात्म में भी बताया गया है, फिलोसॉफी में भी हमारे यहाँ बताया गया है। जो आयुर्वेद में सपोज की कोई चीज छूट गई हो या ना आई हो, आयुर्वेद में वैसे सब कुछ आ जाता है, पर फिर भी जो हमारे अध्यात्म में है, जो फिलोसॉफी का पार्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम कुछ नियम कर लेंगे तो वो हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जितना हो सके जल्दी हम उठ जाएं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का कहा गया है, पर जो भी दिन में सोते हैं उनका कब से संबंधित समस्याएं और वो सब समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। दिन में सोना मतलब सूर्योदय के बाद। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं, हम तो दोपहर को तो नहीं सोते हैं, तो इसका मतलब हम दिन में नहीं सोते हैं, ऐसा नहीं। दिन में मतलब दिन के बीच में ही सोना, ऐसा नहीं है। सूर्योदय हो गया, उसके बाद भी अगर हम सोए रहे हैं, सूर्योदय आप कैलेंडर में भी देख सकते हो कितने बजे सूर्योदय होता है। वो ठंड में थोड़ा लेट होता है सूर्योदय, गर्मी में बहुत जल्दी सूर्योदय हो जाता है, तो उसके हिसाब से अगर हम उठ जाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिजायर फॉर द कंपनी ऑफ गुड, स्वास्थ्य के हिसाब से अगर देखें तो जो अच्छी संगत है उससे आपको अच्छी आदतें पड़ेगी और उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जो बुरी संगत है वो आपको बुरी चीजों की ओर ले जाएगी और वो आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेगी। तो अगर आपको जीवन में न केवल स्वस्थ पर हैप्पीनेस मतलब कि खुश भी रहना है, तो अच्छे लोगों की कंपनी रखो, सज्जनों को संगठित करो, दुर्जनों से दूर रहो। वन शुड टेक अप दोज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड विच आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू धर्म, सोशल एंड रिलीजियस एथिक्स, लाइकवाइज ही शुड परस्यू लाइफ फॉर पीस एंड स्टडी, थस ही एंजॉयज हैप्पीनेस। कि अगर आप भ्रष्टाचार या गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो आपको वो इतना टेंशन देगा, इतनी चिंता देगा, इतनी तरह की झूठ आपको बोलने पड़ेंगे, उन सब के कारण भी आपका हेल्थ खराब होगा ही होगा। इसलिए ईमानदारी से पैसा कमाओ, ईमानदारी से अपना कर्म करो, और जो समाज के लिए गलत है, जो चीज है ना अश्लीलता या जो चीजें समाज के या धर्म के परिप्रेक्ष्य में, उसको पाप माना गया, बहुत बड़ी गलती मानी गई है, ऐसी चीजों से दूर रहो तो आपको समाज में भी स्थान मिलेगा, धार्मिक रूप से भी कोई आपको इस तरह से आपका कोई विरोध नहीं करेगा, आप अच्छे से जीवन जी सकोगे। और लाइफ ऑफ पीस एंड स्टडी, एक तो शांति का ध्येय रखो कि शांति पूर्वक जीवन जीना है, और दूसरा स्टडी, स्वाध्याय, कुछ न कुछ इस तरह से स्वास्थ्य से संबंधित, अपने धर्म से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित पढ़ते रहो। जो पढ़ते रहते हैं उनको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो इससे आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस। चौथा अष्टांग योग है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अष्टांग योग सब लोग जानते ही हैं। एक सात्विक कर्म की बात करी गई है, जिससे क्या होता है कि आपका मन में रज और तम कम हो जाएगा, सत्व गुण बढ़ेगा, तो आप स्वास्थ्यप्रद चीजों को करेंगे, अच्छी चीजों को करेंगे। 9 बजे से क्लास है तो ये नहीं है साढ़े सर। आठ है नहीं है ना आज? हाँ सर, पेडागोजी ऑफ अच्छा, हिंदी क्लास है। क्लास नहीं सर, है वो तो कि टाइम चेंज कर दिया गया है, इसीलिए ऐसा हुआ। जी सर 9 बजे नहीं है ना? सर सबका पेड़ हम लोग का तो टाइम चेंज हो गया सर, 9 बजे से नहीं था सर। अच्छा, नौ आप बजे लोगों से के भी है अलग सर, अलग ग्रुप है, हमारा है 9 बजे। तो 9 बजे हम क्यों लोग रखा मैडम गया को है? बोल साढ़े रहे हैं आठ सर, आप उधर साढ़े आठ मैनेज कर क्लास जैसे लीजिएगा, हम लोग मैडम। ये वीकली वन डे क्लास है तो लेने दीजिए सर को। हाँ, कहते क्योंकि हैं मैडम को ही देखो है ना, बोल दें। अगर ऑफलाइन भी होता तो भी 8:30 से 9:15 तक का तो होता ही, 1.25 घंटे तो, यस 45 मिनट सर, तो होती ही है ना, तो 9:15 बजे से सब क्लासेस, 9:20 से चालू होती है दूसरी क्लासेस, है ना? ठीक है चलो कोई सर। बात नहीं, देखो
मैं पहले है ना अटेंडेंस ले लेता हूँ और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिनको जाना है वो अटेंडेंस दे के जा सकते हैं, है ना? क्योंकि ये आज टॉपिक ये खत्म करना है, नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा टॉपिक होगा फिर, है ना? वैसे ज्यादा टाइम नहीं पड़ा है, अब फास्ट लेंगे बात इसको। कर लिया है मैम से तो क्लास कर सकते हैं ये वाला। जिनकी है उन्होंने बात कर ली है क्या? यस सर, कर लिया है बात। बात हो गई है ना, बस तो ठीक है, चलो पहले टॉपिक खत्म करते हैं। सात्विक कर्म की हम लोग बात कर रहे थे कि रज और तम है वो हमारे दो मानस दोष बताए गए हैं। हमारे मस्तिष्क में हम जो ऐसी महत्वाकांक्षाएं डेवलप होती है जिससे एक तरह का पागलपन हो जाता है, एक तरह से हम भौतिकवाद की ओर बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि रज के कारण होता है। और दूसरा एक तम है जो हमें कुछ करने नहीं देता है, एकदम आलस में पड़े रहेंगे, जो कर्तव्य करने लायक है उसके लिए भी हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो वो हमारे अंदर तम बढ़ गया है कि हम जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं तो तम है, और जो नहीं करना चाहिए वो करने का मन हो जाता है तो वो रज बढ़ गया है। तो रज और तम को बैलेंस करने के लिए, सत्वों को बढ़ाने के लिए सात्विक कर्म को नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। तो सात्विक कर्म में सबसे पहला नाम यज्ञ का आता है। यहाँ जो आपको चित्र दिखाया है मोबाइल में, उसमें तांबे का एक कुंड है, ऑनलाइन मिलता है तांबे के कुंड में, क्योंकि तांबे का भी एक साइंस है। फिर ये गोबर के कंडे, गाय के गोबर के कंडे यूज होते हैं, और घी यूज होता है। बाकी जर्मनी वगैरह में उसको चावल वगैरह अक्षत का भी यूज करते हैं, और वो लोग एकदम सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त एग्जैक्ट टाइम पर, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं, पूरा अपनी घड़ी मिला के वो करते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जैसे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जो भी हमारे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं डिप्रेशन वगैरह के, तो उनको हम तीन आहुतियाँ करवाते हैं, केवल 5 मिनट का काम होता है, गायत्री मंत्र, चंद्र गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। चंद्र गायत्री मंत्र भी, मन मन का देवता चंद्र है तो मानसिक शांति के लिए चंद्र गायत्री मंत्र है, आप सर्च करोगे गूगल में आ जाएगा। गायत्री मंत्र बुद्धि बढ़ाने वाला कहा गया है और महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य प्रदान करने वाला कहा गया है। तो वो तीन मंत्रों का भी महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व है ये, जो गोबर के कंडे जब जलते हैं तो थोड़ा थोड़ा धुआं नाक में जाता है, तो धुएं के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंजेक्शन से भी फास्ट काम करता है, क्योंकि सबसे स्लो क्या होती है, दवाइयां होती है जो डाइजेशन सिस्टम के थ्रू पहले तो वो डाइजेस्ट होगी, उसके बाद फिर वो सारे शरीर को फायदा पहुंचाएगी। इंजेक्शन है वो सीधे ब्लड में दे दिया जाता है तो वो फास्ट काम करने लगता है, और ये जो धुआं है वो सीधे हमारे दोनों नोस्ट्रिल्स के द्वारा, नाक के द्वारा वो हमारे नर्व चैनल्स में पहुंचता है, तो वो तुरंत नर्व चैनल्स की सफाई कर देता है, तो वो एकदम ही फास्ट काम करता है। तो ये बहुत सारी स्मोक थेरापीज है आयुर्वेद में, धूम विधि, धूमपान, तो इस तरह के इसके द्वारा ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये यज्ञ भी इस तरह की एक ट्रीटमेंट है, तुरंत आपको उससे फायदा होता है, सत्व आपका बढ़ता है। साधना को भी सात्विक कर्म बताया गया है कि बार बार मन को साधने का हम प्रयास करते हैं। मनत्राण इति मंत्र, जो मंत्र बार बार बोलते हैं तो उसका मन का त्राण होता है, मतलब कि मन का संयम होता है, आपको गलत गलत चीजों में नहीं ले जाएगा, मन जो करना चाहिए उसकी ओर ले जाएगा। तीर्थाटन, तीर्थाटन को भी एक सात्विक कर्म माना जाया है कि अच्छी आध्यात्मिक जगह पर, धार्मिक पवित्र जगह पर आप जाएंगे तो वहां के वातावरण का असर मिलेगा। कई लोग कहते हैं शांति कुंज में आने से हम लोगों को बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स खत्म हो गए, बहुत सारे व्यसन हमने छोड़ दिए, तो इस तरह का फायदा होता है, उस वातावरण का प्रभाव होता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी आने के बाद लोग ये कहते हैं कि हमें इस तरह का महसूस होता है। तो ये तीर्थाटन है, आजकल के सभी तीर्थों में ऐसा नहीं रह गया है, पर तीर्थाटन का मुख्य मकसद यही था कि वहां पर ऐसा वातावरण होगा जिससे आपको अपनी ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कहा गया है कि शारीरिक समस्याओं का भी रूट कॉज मानसिक होता है। हमारे हमारे जो विचार है वो हमारे शारीरिक रोगों को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए अपने विचारों को ठीक करने के लिए, अपने
मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए तीर्थाटन बहुत जरूरी है, तीर्थ में जाना, कोई अच्छे तीर्थ में जाना, प्रो सोशल एक्टिविटीज, आराधना जिसको हम कहते हैं, आराधना से भी आपको एक आत्मसंतोष मिलता है, जो आत्मसंतोष आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सब कुछ हम अपने लिए ना करें, कुछ चीजें ऐसी करें जो दूसरों के लिए करें, परोपकार, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो भी आपके हेल्थ को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, और कोई चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, बस वो केवल सेवा में लगे हुए होते हैं, केवल परोपकार में लगे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है, उनको बीमारियां परेशान नहीं करती है, वो बैलेंस हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपनी जो सब इच्छाएं हैं, ये खाना है, वो खाना है, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब चीजों के कारण क्या हो जाता है कि हम खुद ही अपने स्वास्थ्य को खत्म कर देते हैं। जबकि ये जो सेवा में लगे हुए होते हैं, उन लोगों को बहुत कड़ी भूख लगने पर वो थोड़ा सा रोटी खाने का समय निकाल पाते हैं, बाकी वो सेवा में ही लगे रहते हैं। तो उसके कारण शरीर को जितना पोषण मिलना चाहिए, अगर उतना मिल जाता है, तो कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं तो हमारे खुराक के कारण ही हो रही है, हम जो खाते हैं उसी के कारण बहुत सारे बीमारियां हो रही है, क्योंकि वो पचता नहीं ठीक से, आम बनता है तो उसी से सब बीमारियां होती है। तो ये जो सेवा में लगे होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, उनका स्वास्थ्य इसलिए ठीक रहता है कि वो बहुत कम खाते हैं, और जो खाते हैं वो उनको तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो उतना उतनी मेहनत भी करते हैं। तो आराधना का भी महत्व बताया गया है कि आपको जो आत्मसंतोष मिलेगा उससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हेल्थ एजुकेशन बहुत जरूरी है, बीएड में अलग से है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर ये सब जगह होना चाहिए, हर एक कोर्स में होना चाहिए। आयुर्वेद का मुख्य रूप से दिनचर्या आयुर्वेद के अनुसार क्या होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज का क्या महत्व है, इन सब चीजों का है। ऋतुचर्या है, 6 ऋतुएं होती है, जैसे अभी है वसंत ऋतु चल रही है, अभी कफ का प्रकोप हो सकता है, तो कफ के प्रकोप को मेंटेन करने के लिए क्या करें कि भले ही गर्मी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, पर अभी भी बहुत ज्यादा ठंडा ना चालू कर दें, खाना पीना ठंडी चीजें बहुत ज्यादा ना चालू कर दें। कफ जो प्रकोप हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए शहद वगैरह लें, फिर और भी चीजें जो कफ को दूर करने के लिए कुछ लोग वमन करते हैं, उससे कफ निकल जाता है। तो इस तरह से कफ के प्रकोप को इस ऋतु में दूर करना बहुत जरूरी होता है। तो 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं के लिए आहार भी अलग है, विहार भी अलग है, तो उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। और जनरली हम जो भी करते हैं उसमें तुरंत असर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये कफ हमारा ठंड में हमने जो भारी पदार्थ खाए होंगे, ठंड में अगर हमने एक्सरसाइज नहीं करी होगी, तो वो ठंड में जो कफ जमा हुआ होता है वो अब वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों के कारण वो पिघलता है, इसलिए वो प्रकोप होता है। तो ये आज आज की हमने आज कोई चीज गलत कर दी है ऐसा नहीं है, 2 महीने हमने जो गलतियां की है वो धीरे 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 संचय होता होता वो अब प्रकोप हो सकता है। इसी तरह से वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप हो जाता है, वर्षा ऋतु में कई लोगों को वायु से संबंधित, गैस से संबंधित सब समस्याएं बढ़ जाती है ना। जो अपना नवरात्र के टाइम पर शरद ऋतु आती है, वहां पित्त का प्रकोप होता है। गर्मियों में भी हम अगर गरम गरम सब खाएंगे, लहसुन प्याज और भी तीखे मसाले, वो सब गर्मियों में भी हम चालू रखेंगे तो वो संचित होता रहेगा, हो सकता है गर्मी में कुछ नुकसान नहीं होगा, पर जब आपका शरद ऋतु आएगी तब वो पित्त का प्रकोप होगा। इसीलिए शरद ऋतु में दूध के खीर वगैरह बनाई जाती है, उसमें पोहा चावल वगैरह डाले जाते हैं, तो वो ठंडी चीजें हैं जिससे आपको, और वो चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है, शरद पूर्णिमा में जो रास गरबा खेलने का जो महत्व है, उन सब के पीछे ये सब साइंटिफिक है कि उस टाइम में जो पित्त का प्रकोप होता है उसको कम किया जा सकता है। तो ये ऋतुचर्या के अनुसार ही हमारे सारे त्योहार बने हैं, हमारे व्रत बने हुए हैं, एकादशी है, महीने में 2 बार हम बीच में अगर गैप कर देते हैं, थोड़ा हम चेंज कर देते हैं खाना, तो उससे भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहता है। तो ये सारा हमारा जितना भी धर्म है, जितनी भी हमारे आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स हैं, वो सब साइंटिफिक है।
सूत्र स्थान एक होता है, हर एक जितनी भी आयुर्वेद के ग्रंथ होते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय वगैरह, इन सब में एक सूत्र स्थान होता है जो वैद्य लोगों के लिए नहीं है। बाकी सारी चीजें तो वैद्य लोगों के लिए है कि किस तरह से किसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, कौन से साधनों का उपयोग कैसे करना चाहिए। सुश्रुत संहिता में तो सब सर्जरी वगैरह का भी दिया हुआ है, लेकिन वो सब हमारे लिए नहीं है। हम लोगों के लिए है सूत्र स्थान, जो शुरुआत में होता है कि हमें किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। तो वो उसका स्टडी बहुत जरूरी है। और उसमें क्या है कि सीधे सीधे वो ग्रंथ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसकी जो टीकाएं लिखी गई है ना, जैसे राजीव दीक्षित जी ने अष्टांग हृदय के जो सूत्र हैं उसके बहुत सरल भाषा में समझाया है। और भी ऐसी आयुर्वेद की किताबें मिलती हैं, गुरुदेव ने भी हमारा साहित्य सब लिखा है। 39 नंबर का जो वांग्मय है, चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, और भी दो तीन है, निरोग जीवेम शरद सतम, निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, ऐसे 3-4 वांग्मय है जो स्पेशल स्वास्थ्य के ऊपर ही है। तो वो वही आयुर्वेद की चीजों को सरल भाषा में आज के परिप्रेक्ष्य में उसको समझाया गया है, तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। सर हाँ बोलो। जी, सर जो आपने ऋतुचर्या का बताया था, स्पेशली बसंत ऋतु को लेके जो कफ की प्रॉब्लम होती है, तो इस समय पर सर पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो मुझे इस समय जैसे आम का बौर आता है, किसी फ्लावरिंग प्लांट है, उससे बहुत एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा, तो उससे छींके आती है और जुकाम लग जाता है, मतलब ये 2 महीने। सर उसके लिए सर क्या सर कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे कि थोड़ा असर कम हो उस चीज़ का, क्योंकि बाहर तो जाया ही नहीं जाता है इतनी छींके आती। ओके, मैं है ना इसका जवाब अभी लेता हूं। थोड़ा सा बस ये चीजें बाकी है, उसके फिर मैं आप लोगों को जो भी कोई समस्या हो ना उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आयुर्वेद में ही अपना पीएचडी किया है। हालांकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेरा पीएचडी है, पर आयुर्वेद के टॉपिक पर लिया है और मैं आयुर्वेद को फॉलो करता हूँ। लगभग पिछले 8 साल से एक भी एलोपैथी की कोई दवाई नहीं ली है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को तो शेयर कर ही सकता हूँ कि आयुर्वेद से आप अगर अपने समस्याओं को सोल्व करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो हम लोग चर्चा करेंगे, पहले हम ये ले लेते हैं। सातवां है पोल्यूशन, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन और साइकोलॉजिकल पोल्यूशन। एनवायरनमेंट के पोल्यूशन के कारण भी आप कितनी भी चीजों का ध्यान रखो, पर फिर भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन के कारण नई नई बीमारियां, नई नई समस्याएं, पोल्यूशन के कारण सब रोग पनपते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पोल्यूशन को दूर करना बहुत जरूरी है, वरना धीरे 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 करके जीवन जीने लायक ही नहीं होगा। आजकल क्या है, पॉल्यूशन खेतों से ही शुरू हो जाता है, पेस्टिसाइड्स डालते हैं है ना, बहुत ही हानिकारक केमिकल सब डाले जाते हैं, तो दूध में भी इतनी मिलावट और सब चीजें, तो ये इतना सारा पॉल्यूशन हमारा, पानी जो पीने का आता है वो पॉल्यूटेड है, हवा पूरी पेट्रोल डीजल और इन सब चीजों के कारण हवा पूरी पॉल्यूटेड हो गई है, प्लास्टिक सब जगह है, तो इन सब चीजों का भी हेल्थ पर असर पढ़े बिना नहीं रहेगा, उससे हम बच नहीं सकते। उसका एक ही इलाज है कि पोल्यूशन को कम किया जाए, और वो ग्लोबल है, इसकी इफेक्ट है ना वो कहीं भी आ सकती है। आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि ये जो वायु की विकृति होती है, जो विशेष रूप से आजकल ये पेट्रोलियम पदार्थों से हो रही है, प्लास्टिक के कारण हो रही है, वो वायु भूकंप का भी कारण हो सकता है। वो इस तरह से कुछ क्रियाएं करता होगा, उसके ऊपर रिसर्च होना जरूरी है, बिना साइंटिफिक उसके हमें हम मान नहीं सकते, पर हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जो आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया है, पर आयुर्वेद में लिखा है कि उससे भूकंप भी आ सकता है। तो हो सकता है कि ये जो पोल्यूशन के कारण ही आजकल फ्रीक्वेंसी भूकंप की बढ़ गई है, और भी बाढ़ और वो सब सारी चीजों की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, पहले भी होते थे पर अब बहुत ही जल्दी जल्दी होने लग गए हैं। तो इन सब के पीछे भी हो सकता है कि ये वायु प्रदूषण मुख्य रूप से, और दूसरे भी जितने भी प्रदूषण हैं वो उसमें जिम्मेदार हो, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए ट्री प्लांटेशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस, जितना हो सके हम रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें, सोलार एनर्जी का उपयोग करें, प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल पोल्यूशन। साइकोलॉजिकल पोल्यूशन भी आजकल बहुत बड़ा हुआ है, सोशल मीडिया में, इंटरनेट में, इन सब चीजों का भी हेल्थ पर असर पड़ता है, उन सब चीजों के कारण भी हमारी हेल्थ खराब होती है, तो उससे भी हम अपने आप को बचाएं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्तंभ और उपस्तंभ।
हमारा हेल्थ छह पिलर्स पर खड़ा हुआ है। छह पिलर्स में मुख्य तीन पिलर है, वात पित्त कफ। वातज आहार विहार बहुत ज्यादा लेने पर वातज डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं है जो किसी न किसी एक या एक से अधिक दोष के विकृत होने से ना हुआ हो। मतलब कि कोई भी डिसऑर्डर हो, चाहे मॉडर्न साइंस ने उसको कोई भी नाम दिया हो, और उसमें कहीं ना कहीं रूट कॉज के रूप में या तो वात जिम्मेदार होगा, या पित्त जिम्मेदार होगा, या कफ जिम्मेदार होगा, या तीनों जिम्मेदार होंगे, या एक से ज्यादा वात पित्त पित्त कफ, इस तरह से दो दोष जिम्मेदार होंगे। कहीं ना कहीं दोष जिम्मेदार तो होंगे ही होंगे, कहने का मतलब है। तो ये रूट कॉज आयुर्वेद के हिसाब से, तो वातज आहार विहार, बहुत रूखा सूखा खाते हैं, बहुत ज्यादा उपवास करते हैं और खाना ठीक से नहीं खाते हैं, चिंता जिनको बहुत ज्यादा है, उन सबको वातज डिसऑर्डर्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। वातज डिसऑर्डर मतलब जितने भी दर्द वगैरह है, और ये एंजाइटी है, और हृदय में भी कई बार वात के कारण धड़कने और सब चीजों पे वात का असर, क्योंकि क्या है, वात ही है जो कफ और पित्त को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। वात से ही सारा हमारे शरीर का मूवमेंट होता है। तो ये वात पित्त कफ तीनों शरीर के लिए जरूरी भी है, पर जब अपनी मात्रा से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये नुकसान करता है। जो वो वातज प्रकृति वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको बिना मतलब का भी बोलते रहते हैं, शांत नहीं बैठते हैं, तो ये वात जिम्मेदार है इसमें। पित्त, पित्त मतलब गर्म जो है, तो पित्त डिसऑर्डर्स में ये पाइल्स वगैरह है, और गुस्सा वगैरह भी कहा जाता है कि उसमें भी पित्त जिम्मेदार है, और भी जितनी भी गर्म चीजों के कारण जो भी शरीर को नुकसान होता है वो सब पित्त डिसऑर्डर्स है। और कफ जो बहुत ही ठंडा, या ये भी कहा जाता है कि जो लोग बिल्कुल श्रम नहीं करते हैं उनका भी कफ बढ़ जाता है। कफ और वात को अगर आपको बैलेंस करना है तो दोनों के लिए श्रम बहुत जरूरी है, और जो बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, गर्मी में भी बहुत ज्यादा श्रम कर लेते हैं, उनको पित्त बढ़ सकता है। तो अगर वात और कफ दोनों को अगर बैलेंस करना है तो अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह या आसन प्राणायाम वगैरह, सिर्फ गर्मी को छोड़ के, बहुत ज्यादा गर्मी में आयुर्वेद कहता है कि एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज तो करनी ही नहीं है, एक्सरसाइज ना करें तो भी गर्मी में चल सकता है, और केवल गर्मी की एक ऋतु ऐसी है जिसमें आप दिन में सो सकते हो। तो अगर दिन में नहीं सोओगे तो कफ नहीं होगा, और अगर एक्सरसाइज करोगे गर्मी के अलावा तो वात और कफ दोनों मेंटेन हो जाएंगे। पित्त के लिए गर्मी में सब ठंडा चीजें, इवन हम जो मोती की माला पहनते हैं उसके पीछे भी वो है कि वो भी ठंडा माना जाता है। हम जितने भी ये लेते हैं ठंडाई वगैरह या सत्तू वगैरह, इन सब का भी पित्त को कंट्रोल करने का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से तीनों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये उसका सीड्स बताया, आज मुझे लगता है बहुत ज्यादा लेट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम लोग टाइम का ध्यान रखेंगे। ऊपर का पार्ट है वो कफ का है, बीच का पार्ट है वो पित्त का है, और नीचे का पार्ट है वो वात का है। ये इसका मूल स्थान है। अगर उस स्थान को छोड़ के वो कहीं जाता है तो वो बीमारियां पैदा कर सकता है। उसी स्थान में अगर वो मात्रा से ज्यादा बढ़ जाए तो उसी स्थान में भी कुछ न कुछ समस्याएं कर सकता है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित सारे समस्याएं कफ की होती है, अंदर जो एसिडिटी और दूसरी जो समस्याएं हैं वो पित्त से संबंधित होती है, फिर नीचे का जो पैरों में, घुटनों में, उन सब में दर्द होता है वो सब वात के कारण हो सकता है। तो ये जनरली उस जगह पर भी वो नुकसान करते हैं, और उसके अलावा अपने स्थान को छोड़ के वो ऊपर चढ़ेंगे या ऊपर से वो नीचे अगर जाएंगे तब भी वो रोग पैदा कर सकते हैं। तीसरा, जो छह स्तंभ बताए थे उसमें तीन स्तंभ और तीन उपस्तंभ, तीन उपस्तंभ है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, आहार से ही मन बनता है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आहार को शुद्ध करना जरूरी है, आहार के लिए ऋतुचर्या वगैरह का पालन करना जरूरी है। निद्रा, निद्रा ऐसा नहीं है कि 8 घंटे ही निद्रा लेनी चाहिए, ऐसा कहा गया है कि सनसेट के 3 घंटे तक सो जाना चाहिए। ठंड में सनसेट जल्दी हो जाता है तो जल्दी सो जाना चाहिए, गर्मियों में
लगभग 7-8 बजे, 7 बजे के आसपास अगर सनसेट होता है तो 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो 3 घंटे का कहा गया है, आइडियल है ये। फिर उसमें थोड़ा सा इधर उधर होता है तो ठीक है, पर बहुत ज्यादा अगर हो जाता है, रात को बहुत लेट तक जागते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त की हम लोग बात कर चुके हैं। लास्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को ऐसा कहा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन मेक द ब्रेन एज इफ सिंकिंग एंड कैन लीड टू डिप्रेशन। ब्रेन को श्रिंक कर देता है, मतलब कि छोटा कर देता है, एकदम छोटा, मतलब एकदम दिखेगा नहीं कि स्पष्ट रूप से एकदम छोटा हो गया, यहाँ तो सिर्फ आकृति दिखाई गई है समझने के लिए, पर वो श्रिंक कर देता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स, हालांकि आयुर्वेद में सेक्स और उसको मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है, पर वो डिप्रेशन की ओर लीड करता है, इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य के पालन से, और वो भी सिस्टेमेटिक, उसकी एक विद्या दी गई है, शुक्र विद्या बोलते हैं या ब्रह्मचर्य की विद्या उसको बोलते हैं, वो आजकल खत्म हो गई है। तो मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ब्रह्मचर्य को भी एक पिलर माना गया है कि उसके कारण आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, चाहे कितनी भी दवाइयां खाओ, कितना भी करो, पर अगर ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल नहीं है तो उसके कारण आपको डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी होती है, और आपका शारीरिक मानसिक रूप से आप कमजोर पड़ जाते हो, जिसके कारण आप को रोग आसानी से ग्रसित हो जाते हो। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तीनों का पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं इसको, पहले अटेंडेंस लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अटेंडेंस के बाद, शांति पाठ के बाद जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आज 16 तारीख है, फटाफट अब आपको अपना माइक अनम्यूट करके यस बोलना है। शिखा, कोई छूट जाएंगे तो यस सर, चिंता, हाँ छूट जाएंगे तो चिंता नहीं है, मैं एब्सेंट का नाम फिर से बोल दूंगा। सच्चिदानंद, विभा, यस सर, साधना, प्रेजेंट सर, गौतम, प्रेजेंट सर, शिवानंद, यस सर, सुजाता, यस सर, नेहा, प्रेरणा, अर्चना, सर, मणिकांत, यस सर, अपना सीक्वेंस याद रख लेना, इसी हिसाब से हर बार होगा, तैयार रहना। प्रीति, यस सर, सुधा, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट प्रवीण, सर, अंबेडकर, प्रेजेंट सर, निधि, यस सर, दिव्या, यस सर, दिव्य, दिव्य है नाम, दिव्य जी सर, दिव्य प्रकाश, प्रकाश, यहाँ अच्छा इस तरह से लिखा है, ठीक। अंजलि, सर दो अंजलि है, पूरा नाम लीजिए यहाँ सिर्फ अंजलि लिखा है, चौधरी सर, नहीं लिखा है अंजलि भाई, आचार्य है एक, अंजलि चौधरी है पर लिख, यहाँ तो केवल अंजलि लिखा है, दूसरे में भी केवल अंजलि लिखा है। तुम्हारा सर, अंजलि पहले, आप, चौधरी प्रेजेंट है, हाँ अंजलि चौधरी प्रेजेंट कर दिया, और पहले नंबर पर शायद अंजलि आचार्य होगा, है अंजलि यस सर, आचार्य। नहीं सर, मोहिनी, प्रेजेंट सर, आभा, कल्पना, विकास, प्रेजेंट सर, विकास, रितिका, रुचि, यस सर, श्रद्धा, प्रेजेंट सर, अमरकांत, उपस्थित महाशय, श्वेता, प्रेजेंट सर, प्राची, प्रेजेंट सर, वसुंधरा, प्रेजेंट सर, नवीन, हरिओम, किरण, तन्नु, पंकज, यस सर, चंदन, प्रेजेंट सर, विवेक, प्रेजेंट सर,
आराधना जगड़ू यस सर अभिषेक प्रेजेंट सर अपर्णा यस सर आकांक्षा श्रद्धांजलि प्रज्ञा यस सर सनातन नेहा अंशिका मिथिलेश प्रजेंट सर स्वाति एब्सेंट के नाम बोल रहा हूं, गलती से किसी का आ गया हो तो बता देना। सच्चिदानंद नेहा कुमारी प्रेरणा अंजलि, ये है अंजलि आचार्य जो पहले है 18 नंबर पर है, 2023046 नंबर है वो एब्सेंट है, जबकि ये है 2023041 अंजलि चौधरी वो प्रेजेंट है। ये कल्पना कुमारी वो एब्सेंट है, रितिका एब्सेंट है, नवीन हरिओम किरण तन्नु आराधना सनातन नेहा अनीशा स्वाति। शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। अब जिनके क्वेश्चंस थे या जिनको क्वेश्चन है वो रुकेंगे, जिनकी क्लास नहीं है वो रुकेंगे, जिनको कुछ पूछना है बाकी सब जा सकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं। प्रणाम सर। जी सर प्रणाम। सर एक बार स्लाइड 4 लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। सर जो पीपीटी भेजे थे उस जो दिखा रहे थे उसको एक बार भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ ये एक बार दिखा दीजिए। वीडियो की अभी भी रिकॉर्ड ही हो रहा है उसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा मैं और इसके साथ साथ ये पीपीटी भी अपलोड कर दूंगा, इसलिए अभी अगर नहीं लिख पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है,